नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल जितेंद्र मशीनरी कंपनी, जिसमें हम आपके लिए लाते रहते हैं नए नए बिज़नेस आइडियाज़। तो दोस्तों, आज का जो बिज़नेस आइडिया है ये बहुत ही यूनिक और प्रॉफिटेबल बिज़नेस आइडिया है। काफ़ी कम लोगों ने इसको लगाया हुआ है और जिन्होंने लगाया है वो अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो ये बिज़नेस आप अपने घर से भी कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं, ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए, और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट लगाना भी चाहते हैं तो वो आपका पैसा जल्द ही आपको रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि इसमें मुनाफा ही इतना ज़्यादा है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये बिज़नेस कैसे शुरू होता है, क्या क्या इनमें इन्वेस्टमेंट लगता है, क्या इसमें आपके लाइसेंस वगैरह लगते हैं, अगर लगते भी हैं तो कौन, अगर नहीं लगते तो क्यों नहीं लगते। तो सारा हम आपको इसके बारे में बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि नए नए बिज़नेस आइडियाज़ आपके पास हम भेज सकें। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं, धन्यवाद। दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिज़नेस आइडियाज़ और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा बिज़नेस आइडिया है वो है नोटबुक्स रजिस्टर मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस के बारे में। आपने देखा होगा मार्केट में नोटबुक्स, डायरीज, रजिस्टर ऐसे की काफ़ी आपको मार्केट में मिल जाएंगी। आज जो हमारा बिज़नेस आइडिया हम देखेंगे ये है नोटबुक्स बनाने के बिज़नेस के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि इसका रॉ मटेरियल क्या है, क्या इसमें आपका चीज़ें लगती हैं बनाने के लिए, क्या लेबर लगती है और इसमें क्या इन्वेस्टमेंट है। तो सबसे पहले जैसे आप नोटबुक देख रहे हो, इसमें सबसे पहले आपका लगता है टाइटल, फ्रंट पेज जो है आपका, ये आपका टाइटल है। उसके अंदर आते हैं आपका ये पेपर है, ये दो मटेरियल होते हैं, एक इंडेक्स पेपर और एक आपका जिस पे आप राइट करते हो। तो ये दो पेपर आपके यूज़ होते हैं अंदर वाली साइड, और फ्रंट पे आपका यूज़ होता है टाइटल। जो इंडेक्स है ये आपका ऑप्शनल है, ये आप लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते, ये आप पे है। मेनली इसमें जो हम रॉ मटेरियल काउंट करते हैं, एक तो फ्रंट टाइटल जिसमें आपका नाम सारा कुछ लिखा होता है, और सेकंड थिंग इसमें आता है अंदर वाला पेपर जिसमें आपका अंदर आप कुछ भी लिखते हो। तो ये इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप देखोगे कि इधर पेन लगा हुआ है, इन दोनों को आपस में जोड़ के सबसे पहले स्टिचिंग होता है। स्टिचिंग के बाद आपका बैक स्क्वेयर होता है, इसको पीछे से स्क्वेयर करने का, उसके बाद एंड में कटिंग होता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि रॉ मटेरियल इसका किस टाइप में आता है, किस शेप में आता है और इससे आप कैसे नोटबुक बनाते हैं। तो दोस्तों, ये देखा जो आपको मैंने अभी कॉपी दिखाया था, ये उसी का ये पेपर है, ये आप देख सकते हो, ये चार कॉपी का पेपर होता है, 1, 2, 3 और 4। इसको कट करके पहले आपने दो हिस्से में डिवाइड करना, इसको सेंटर से कट करते हैं इधर से, ये आपका दो हिस्से में डिवाइड हो गया। तो दो हिस्से में डिवाइड होने के बाद फिर आपका आगे का प्रोसेस शुरू होता है। ऐसे ही आपका टाइटल पेज आता है, जो टाइटल पेज आप देख सकते हो ये भी आपका ऐसे का ही आता है, इसमें भी आप दो हिस्से में डिवाइड करके इसको, तो फिर आपका इसको एंड में फोल्ड करके ऐसे, इसको अंदर से ऐसे फोल्ड करके आपका इधर से स्टिच होता है। दोनों चीज़ स्टिच होने के बाद आपका इधर से वेस्ट पेपर कट होता है, वेस्ट पेपर कट होने के बाद आपका सेंटर से कट होकर दो नोटबुक तैयार होता है। तो बेसिकली आपको रफली प्रोसेस बता दिया कि ऐसे नोटबुक तैयार होता है। तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं, जैसे हमारे पास कई सैंपल तैयार हैं, जैसे ये नोटबुक है, सबसे पहले पेपर और टाइटल जो है, ये पेपर और जो बाहर वाला टाइटल है, इसको सेंटर में पिन लगा हुआ है, सेंटर में पिन लगा है, ये सारा आप देख सकते हो। पिन लगने के बाद इसको फोल्ड करके यहाँ से पूरा बैक स्क्वेयर हुआ हुआ। अभी ये दो नोटबुक है, इनको यहाँ से वेस्ट पेपर कटिंग होगा, ऊपर नीचे साइड से यहाँ से कट होगा, तो आपकी दो नोटबुक तैयार होगी। तो ये है इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नोटबुक तैयार करने के लिए। अब हम जानते हैं इसमें क्या क्या मशीनरी रिक्वायर्ड होता है। सबसे पहले तो आपका इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए पिनिंग मशीन लगता है, ये जो पिन करता है ये स्टिचिंग मशीन लगता है। स्टिचिंग के बाद आपका सेकेंड प्रोसेस आता है बैक स्क्वेयर करने का, जिसमें आपका कॉपी फोल्ड होके पीछे से पूरा स्क्वेयर शेप आता है, जैसे कि जिसमें कॉपी दिखने को अच्छी लगती है और सेल भी इजीली हो जाती है। और थर्ड मशीन इसमें आता है आपका पेपर कटिंग,
पेपर कटिंग ने यहाँ 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 से कट करके आपका दो कॉपी को तैयार करके फिनिशिंग देके फाइनल काम उसका होता। फाइनल करने के बाद दो कॉपी आपका तैयार हो गया, उसको आपको पैक करना है, लैमिनेशन वाला रैपिंग करना है, तो उसके लिए आपका आता है श्रिंक पैकिंग मशीन। वो ऑप्शनल होता है, वो आप ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मेन जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आता है वो तीन मशीनों का ही आता है, स्टिचिंग, स्क्वेयरिंग एंड देन कटिंग। तो इन तीनों मशीनों से आपका नोटबुक फाइनली तैयार हो जाता है। तो इसमें आप कोई भी साइज़ का नोटबुक बना सकते हो, A4 का हो, जैसे ये लॉन्ग रजिस्टर है A4 का, ये सिंगल लाइन है, अंदर जैसे कि भी आपको लाइनिंग चाहिए हो, A4 हो, शॉर्ट रजिस्टर हो, डायरी हो, कुछ भी हो, सभी के लिए ये बेसिक मशीन्स हैं। तो ये आपकी लगेंगी ही लगेंगी। तो इसके अलावा आप कोई भी डायरी बनाना है, नोटपैड बनाना है, कुछ भी इनमें बना सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इनमें आपका मशीन्स कैसे वर्क करती हैं, कैसे कैसे आपने उसमें काम करना है और इसमें आपको कितनी लेबर चाहिए होगी। तो चलिए अभी वीडियो देखते हैं। दोस्तों वीडियो में जो आप मशीन देख रहे हो ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है। इसमें आप सभी टाइप का बड़ा छोटा नोटबुक रजिस्टर बना सकते हो। ऐसे कि आपको मैनुअल मशीन चाहिए तो मैनुअल में भी आप काम शुरू कर सकते हो, जो कि आपका कम बजट में भी शुरू हो जाता है। तो आज मशीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे मशीन्स वर्क करती है, क्या क्या उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी होता है और क्या उनमें प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो दोस्तों नोटबुक्स को तैयार करने के बाद काम आता है उसको पैक करने का।
तो उसके लिए इस्तेमाल होती है नोटबुक श्रिंक पैकिंग मशीन। इसमें आपने 5-5, 6-6 नोटबुक का सेट बना के ऊपर लैमिनेशन चटा के रख देना है और इसने ऑटोमेटिकली श्रिंक करके आपके नोटबुक को रैप कर देना है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आपने नोटबुक को उसके बीच में लैमिनेशन चढ़ा के रखना है और इसने ऑटोमेटिकली आपको श्रिंक रैप करते जाना है, तो जिस वजह से आपका नोटबुक का कभी मॉइस्चर नहीं आता और नोटबुक को जितने मर्जी देर आप स्टॉक में रख सकते हो। तो इसका वीडियो आप देख सकते हो, कितना आसान काम है ये। तो दोस्तों, ये था प्रोसेस नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग करने का। आपने देखा कितनी आसानी से आप नोटबुक्स बना सकते हो। दोस्तों, ये जो सेटअप आपने देखा अभी, 4 मशीनों का जो सेट था, ये आपको तकरीबन 6-6.5 लाख के अंदर मिल जाता है, जिसमें आप सारी मशीनें ले सकते हैं, साथ में रॉ मटेरियल भी ले सकते हैं और अपना काम आसानी से कहीं भी शुरू कर सकते हैं। ये सारा प्लांट आपका सिंगल फेस लाइट में भी चल जाता है और आपका ऑटोमेटिक मतलब लेना हो तो वो भी आपको मिल जाता है। तो हमारे पास मैनुअल से लेकर ऑटोमेटिक तक कम से कम 7 मॉडल अवेलेबल हैं नोटबुक के। तो आपको जैसे का भी रिक्वायरमेंट हो, आप वैसे क्या हमें इन नंबर पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था आज की वीडियो में। अगली वीडियो में हम आपको इसके प्रॉफिट मार्जिन के बारे में भी बताएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।